गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो है टैक्सेस, या हिंदी में से हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा मुझे सर्दी है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद सिनॉप्सिस की बात करें, रूपरेखा की बात करें, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा रूपरेखा में? पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो लगभग 7 टाइप्स के होते हैं, जैसे फोटो टैक्सेस, गैलेनो टैक्सेस, जियो टैक्सेस, थर्मो टैक्सेस, थिग्मो टैक्सेस, उसके बाद रियो टैक्सेस और कीमो टैक्सेस। अगर स्टूडेंट आप लोग नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट्स बनाना अगर चाहते हैं तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे। चलिए स्टूडेंट, फिर देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले परिचय की बात करें, अगर हम लोग टैक्सेस की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो कह सकते हैं अनुच्छेद या टैक्सेस के अंतर्गत निम्न श्रेणी के प्राणी क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं, निम्न श्रेणी के जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बिहेवियर शो करते हैं। अनुच्छेद के अंतर्गत प्राणियों में दिशा मतलब डायरेक्शनल प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। सबसे मुख्य जो चीज़ें हैं स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद होता है, टैक्सिस होता है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शनल प्रकार का क्या पाया जाता है, व्यवहार पाया जाता है, बिहेवियर पाया जाता है, मतलब दिशा, किस दिशा में जो एनिमल होते हैं क्या करेंगे, अपना व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे। कैसे करेंगे? तो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस होते हैं उसके लिए, और उस स्टिमुलस के प्रति क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, निम्न वर्ग के जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, और क्या करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप लोग का इवलिना हो गया, पैरामेशियम, ठीक है, अमीबा, इवलिना, पैरामेशियम में क्या होता है, अनुच्छेद मतलब टैक्सिस विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कह सकते हैं क्या क्या होता है, फोटो टैक्सिस, गैल्वेनो टैक्सिस, जियो टैक्सिस, थर्मो टैक्सिस, थिग्मो टैक्सिस, रियो टैक्सिस, कीमो टैक्सिस इत्यादि। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब प्रतिस्थापन, मतलब अपना दिशा को क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या करते हैं, अपने दिशा को बदल लेते हैं हम लोग, कहना चाहिए तो। क्यों बदलते हैं? उन लोग को जैसा स्टिमुलस मिलता है उसके अनुसार से वो क्या करते हैं, अपना बिहेवियर शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन की अगर बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्टूडेंट ले सकते हैं, मैं कुछ सेकंड आप लोग को इसको टाइम देता हूं, तो अभी तक आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे, ठीक है, नोट्स के लिए। तो चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं, तो कह सकते हैं अनुच्छेद एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है, जो किसी प्राणी में विशेष रूप से बाह्य उद्दीपन, कहने का मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, मैं बताया था स्टिमुलस के कारण क्या करते हैं, रिस्पॉन्स व्यक्त करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है, अपना क्या करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे अगर जैसे हम लोग पैरामेशियम की बात करें, उसको अगर हम अधिक टेम्परेचर में रख देंगे तो वहाँ से वो क्या होगा, दूर भगेगा। मान लो यहाँ पर हम लोग क्या कितना रख दिए, 40 डिग्री सेल्सियस में उसको किसको रख दिए, पैरामेशियम को, तो क्या करेगा, यहाँ से दूर भागेगा, अवे होगा, अवे फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस लाइट, ठीक है, इससे दूर भागेगा। तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो कर रहा है एक प्रकार का, उससे दूर भाग रहा है मतलब कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है। स्टिमुलस क्या हो गया, लाइट हो गया, और उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उससे दूर भागना उसका रिस्पॉन्स हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, जब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, टाइप्स जब देखेंगे उस समय आप लोग को अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सिस या अनुच्छेद के प्रकार की बात करें तो 7 टाइप्स के होते हैं लगभग, देख सकते हैं, प्रकाश अनुच्छेद मतलब फोटो टैक्सिस, गैल्वेनो टैक्सिस मतलब विद्युत अनुच्छेद, तीसरा होता है जियो टैक्सिस मतलब गुरुत्वाकर्षण अनुच्छेद, चौथा होता है ताप अनुच्छेद मतलब थर्मो टैक्सिस, थिग्मो टैक्सिस अगला होता है स्पर्श अनुच्छेद, और अगला होता है रियो टैक्सिस मतलब जलधारा अनुच्छेद, और जो लास्ट होता है कीमो टैक्सिस अर्थात रसायन अनुच्छेद। तो 7 टाइप के क्या होते हैं, टैक्सिस होते हैं, किसमें, एनिमल में, जो लोअर एनिमल होते हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं, निम्न वर्ग के जीव में पाए जाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वन बाई वन करके देखेंगे। अब पहला है फोटो टैक्सिस मतलब प्रकाश अनुच्छेद की बात करें तो कह सकते हैं इस प्रकार के अनुच्छेद में मुख्य स्रोत मतलब मेन जो सोर्स होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रकाश अनुच्छेद या फोटो टैक्सिस, तो लाइट होगा। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, ये प्रकाश अनुच्छेद मतलब क्या होगा, इसका जो मुख्य स्रोत होता है, मेन जो सोर्स होता है वो क्या होगा, लाइट होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आगे देखिए, इस प्रकार प्रकाश की किरणों एवं दिशा का प्रभाव प्राणियों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो जो प्रकाश का जो क्या होता है, प्रभाव होता है, वो एनिमल की क्या करता है,
व्यवहार को क्या करता है, निर्धारित करता है कि कैसा बिहेवियर करेगा, ठीक है, कैसा व्यवहार करेगा, वो प्रकाश की मात्रा कितना मात्रा में प्रकाश आ रहा है, कितना उसका टेम्परेचर, कितना डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, उसके हिसाब से क्या करते हैं जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं, अपना रिस्पॉन्स करने के बाद अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए निर्धारित करता है कि कीड़ों की दिशा, कीड़ों की दिशा किधर है, एनिमल की तरफ है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है। प्राणियों की गति, ठीक है, व्यवहार प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है, जो लाइट की जो क्या होती है गति होती है वो क्या करती है प्राणियों की प्रतिक्रिया को, मतलब रिस्पॉन्स को क्या करती है प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है, कैसे करती है अभी डायग्राम में आपको समझाऊंगा मैं। देखिए जैसे पैरामेशियम मंद प्रकाश में रहना पसंद करते हैं, जो पैरामेशियम होते हैं वो मंद प्रकाश में, ठीक है, जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है उसी में रहना पसंद करते हैं, कौन, पैरामेशियम। ओके स्टूडेंट, उसके बाद देखिए अंधकार तीव्रता पराबैंगनी किरणों के प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो पैरामेशियम होते हैं वो नेगेटिव मतलब ऋणात्मक प्रतिक्रिया, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स वो करते हैं किसके प्रति, अंधकार में, अगर अधिक अंधकार रहेगा फिर भी वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, और पराबैंगनी किरण रहेगा फिर भी करेगा, ठीक है, और मंद प्रकाश होगा तो पॉजिटिव करेगा, कैसा करेगा, पॉजिटिव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, कैसे देखिए डायग्राम में समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टैक्सिस टाइप कौन सा है, फोटोटैक्सिस, मतलब इसका जो मेन सोर्स होता है स्टूडेंट क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है, क्या होता है लाइट, थोड़ा जूम करके देख सकते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है लाइट होता है। अगर हम लोग इसको डार्क में रखें कि इसको क्या करें, इधर से दूर भागे, देखिए यहाँ पर लिखा है मूव अवे, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है दूर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है। अगर इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग लाइट दें, क्या करें तेज प्रकाश में रखें, फिर भी ये कहाँ जा रहा है, इससे दूर भाग रहा है, ठीक है। और देखिए डिफ्यूज्ड लाइट, मतलब जहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ पर ऑप्टिमम, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस लगभग क्या करते हैं जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो इन लोगों को क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, मतलब ना कम चाहिए ना अधिक चाहिए, जो क्या कहना चाहिए मध्यम, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है मध्यम, जो प्रकाश होते हैं उसमें जो पैरामेशियम होते हैं स्टूडेंट वो क्या करते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसका अगर सार बोले तो क्या होता है, जो फोटोटैक्सिस होता है वो जो मध्यम लाइट होता है ना, मध्यम जो प्रकाश होता है उसमें क्या होते हैं इन लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक जगह क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, कौन, पैरामेशियम। अगर अधिक लाइट होगा फिर भी यहाँ से दूर भागेंगे, इधर आएंगे, ठीक है, और डार्क होगा, अगर अंधेरा होगा फिर भी यहाँ से दूर भागेंगे, और जो मध्यम प्रकाश होता है उसी में क्या करते हैं इन लोग उसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए गैल्वेनोटैक्सिस, दूसरा क्या है, गैल्वेनोटैक्सिस या विद्युतीय अनुचलन। तो इस प्रकार के अनुचलन में मुख्य स्रोत क्या होगा, विद्युत धारा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है गैल्वेनोटैक्सिस या विद्युत अनुचलन, तो विद्युत अनुचलन है तो क्या होगा, इसका जो मेन सोर्स है, मुख्य जो स्रोत होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा। देखिए विद्युत धारा के प्रति अनुक्रिया को विद्युतीय अनुचलन कहते हैं, पर अनुचलन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी अनुसरण लिखा है, अनुचलन टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, तो क्या होगा, विद्युतीय अनुचलन कहते हैं। देखिए जैसे पैरामेशियम मंद विद्युत धारा में कैथोड की ओर, ठीक है, किसकी ओर, कैथोड की ओर बढ़कर धनात्मक अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है, या तीव्र विद्युत धारा में एनोड की ओर चलकर नेगेटिव अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स प्रदर्शित करता है, शो करता है, कैसे करता है हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए ये है इसका डायग्राम, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट, अभी तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसको पॉज करके कर लिए होंगे उम्मीद है मुझे, ठीक है। देखिए एनोड की ओर क्या होता है, जो पैरामेशियम होते हैं वो क्या करते हैं, जो अधिक जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, अधिक मतलब विद्युत क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो करंट होती है अगर अधिक मात्रा में होगी तो इससे क्या होंगे, दूर भागेंगे, और एनोड से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर अवॉइड करेंगे, मतलब यहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, क्या करेंगे अवॉइड मतलब वहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिक पर क्या रहा है, अधिक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, अधिक मात्रा में क्या रहा है विद्युत धारा यहाँ पर आ रही है, इसीलिए यहाँ से क्या कर रहे हैं ये लोग, दूर भाग रहे हैं, आ रहे हैं किधर, इधर मध्य की ओर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग तीर का निशान यहाँ पर देख सकते हैं, जो एरो है उसको आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, ये दूर भाग रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है।
और जो कैथोड होता है, ठीक है, कैथोड की ओर क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इधर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्योंकि इधर क्या है, कम विद्युत धारा है, क्या है स्टूडेंट, कम विद्युत धारा की ओर क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो पैरामेसियम होते हैं वो अधिक विद्युत धारा से क्या करते हैं, अधिक विद्युत धारा की ओर से क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, वहाँ से दूर भागते हैं, और जो कम विद्युत धारा होता है उधर क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे इधर, इधर जिधर कम इलेक्ट्रिक करंट है, जिधर अधिक इलेक्ट्रिक करंट होता है उधर क्या करते हैं, इन लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या गैल्वेनोटैक्सिस कहते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्मोटैक्सिस। क्या स्टूडेंट, थर्मोटैक्सिस। तो थर्मोटैक्सिस की बात करें मतलब ताप अनुचलन हिंदी में बोलते हैं, इसका नाम ही है, देखो थर्मो मतलब टेम्परेचर की बात हो रहा है, या ताप मतलब तापमान की बात हो रही है हिंदी में बोले तो कह सकते हैं इस प्रकार के अनुचलन में मुख्य स्रोत क्या होता है स्टूडेंट, तापमान होता है, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है, क्या होता है, टेम्परेचर होता है, मतलब तापमान के प्रति होने वाला जो अनुक्रिया होगा, ठीक है, अनुक्रिया यहाँ पर होना चाहिए स्टूडेंट, थोड़ा सा क्रिया लिख गया है, अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप अनुचलन कहते हैं, ठीक है। जैसे पैरामेसियम में 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक सक्रिय रूप से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, यदि तापक्रम कम या अधिक हो तब निष्क्रिय होकर हटकर नेगेटिव प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये नेगेटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कैसे नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं। अभी बताया आप लोग को, अगर जो पैरामेसियम होते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में किसका है, पैरामेसियम का, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं बता रहा था आप लोग को कि जो थर्मोटैक्सिस होता है मतलब उसका जो मेन सोर्स क्या होता है, टेम्परेचर होता है, क्या होता है, टेम्परेचर। और क्या होता है, जो पैरामेसियम होते हैं वो कम प्रकाश मतलब 10 डिग्री सेल्सियस में और अधिक प्रकाश मतलब अधिक सॉरी प्रकाश नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, तापमान बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो कम टेम्परेचर में और अधिक टेम्परेचर में क्या होते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो देख सकते हैं लोग डायग्राम में कि जो पैरामेसियम होता है, तीर का निशान देखिए इधर है और इधर है, मतलब एक बीच में आ रहे हैं, जो ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसी को क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आके क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित हो रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं एक जगह, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो थर्मोटैक्सिस होता है स्टूडेंट, उसमें जो पैरामेसियम होते हैं वो क्या करते हैं, जो मध्यम जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है, देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं, जो पैरामेसियम होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, मतलब वहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे, और कम प्रकाश में नेगेटिव, इधर भी अधिक प्रकाश में नेगेटिव, और जो मध्यम होगा उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव। एक्सप्लेनेशन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं यहाँ को, तो जो अधिक टेम्परेचर होगा उसमें नेगेटिव, और कम टेम्परेचर होगा उसमें भी नेगेटिव, और जो मध्यम होगा उसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब धनात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं, आई होप आप लोग इसका स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीन शॉट कर सकें। तो आई होप आप लोग अभी तक स्क्रीन शॉट कर लिए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसका नाम क्या है, फोर्थ चलो देखेंगे वो क्या है, जियोटैक्सिस या गुरुत्वाकर्षण अनुचलन। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के अनुचलन में क्या होता है, जो मेन सोर्स होता है, जो मुख्य स्रोत होता है, वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, तो ग्रेविटेशन होता है, क्या होता है, ग्रेविटेशन। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, मनुष्य, बंदर, इग्लिना इत्यादि, ये सब में क्या होता है, यदि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परिवर्तन होता है तो निम्न एवं उच्च श्रेणी के जो अधिकांश प्राणी की गति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होती है स्टूडेंट, क्या कहने का मतलब है कि अगर कम या अधिक क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, तो क्या होगा, इनके जो बिहेवियर होते हैं, जो रिस्पॉन्स होती है, जो प्रतिक्रिया होती है, उसमें क्या हो जाएगा, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाता है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इरेगुलर क्या हो जाएगा, अनियमितता, ठीक है, इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, कौन, इनका जो प्रतिक्रिया होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो। ओके स्टूडेंट, जिसके कारण प्राणियों का जीवन कठिनाई से गुजरता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पैरामेसियम का जल की सतह की ओर गति करना, जो पैरामेसियम होता है वो जल की सरफेस की ओर क्या करता है, मूवमेंट करने लगता है, क्या करने लगता है स्टूडेंट, मूवमेंट करने लगता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर नोट्स आप लोग बनाना चाहते हैं
तो वीडियो को पोस्ट करके इसको स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके डायग्राम की ओर। किसकी? जियोटैक्सिस। ठीक है, ग्रेविटी इसका क्या है? मेन सोर्स क्या होता है? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हो पैरामेशन विथ एंटीरियर एंड्स अपवर्ड। इसका जो एंटीरियर एंड होता है, जो अग्रसिरा होता है, एंटीरियर एंड मतलब जो अग्रसिरा होते हैं, वो क्या कर रहे हैं? पानी की सरफेस की ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मोमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण अगर कम या अधिक होगा तो जो एनिमल होते हैं उसका जो रिस्पॉन्स होता है, उसके पश्चात उसका बिहेवियर होता है, उसमें क्या हो जाता है? अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इरेगुलर हो जाते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये था जियोटैक्सिस। ठीक है, पैरामेशियम में एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं थिग्मोटैक्सिस। क्या स्टूडेंट? थिग्मोटैक्सिस। तो हम लोग थिग्मोटैक्सिस मतलब स्पर्श अनुचलन, हिंदी में लोग क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श अनुचलन। तो इस प्रकार के अनुचलन में जो मुख्य स्रोत होता है, जो मेन सोर्स होता है, वो क्या होता है? कठोर वस्तु, ठोस वस्तु, नुकीली वस्तु, कंटीली वस्तु, भोजन आदि वस्तु क्या होती है? इसका मेन सोर्स होता है, मुख्य क्या होता है? स्रोत होता है। ओके स्टूडेंट, जब प्राणी भोजन आदि वस्तुओं के संपर्क में आता है, ठीक है, किसके? भोजन के संपर्क में आता है, तो क्या होता है? उसकी ओर आकर्षित होता है स्टूडेंट। क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और क्या करेगा? धनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करेगा, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, भोजन के संपर्क में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा तब। ठीक है, लेकिन क्या होता है? जबकि प्राणी किसी कठोर, ठीक है, किसमें? कठोर, नुकीली, कंटीली आदि वस्तुओं के संपर्क में आएगा, उससे टच होगा, ठीक है, स्पर्श करेगा उससे, तो उससे हट कर क्या करता है? नेगेटिव मतलब क्या करेगा? ऋणात्मक व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं क्या है? पैरामेशियम। जो पैरामेशियम होता है स्टूडेंट, क्या करता है? वो भोजन के संपर्क में आता है तो क्या करता है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक रिस्पॉन्स शो करता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। लेकिन वही जब क्या करता है? कंटीली वस्तु, ठोस वस्तु, ठीक है, ये सब के संपर्क में आता है तो क्या करेगा? ये कठोर वस्तु के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब ऋणात्मक व्यवहार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, उससे दूर भागने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग का थिग्मोटैक्सिस या स्पर्श अनुचलन। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप लोग टाइम दिया हूँ। आई होप आप लोग अभी तक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। ओके, नोट्स बना सकते हैं आप लोग, एक अच्छा नोट्स। तो फिर आगे देखते हैं हम लोग इसके डायग्राम को देखते हैं। किसका? थिग्मोटैक्सिस मतलब टच होता है, स्पर्श होता है। क्या इसका स्पर्श होता है? मेन सोर्स जो होता है क्या होता है? टच होता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, उससे क्या करता है? अवॉइड हो रहा है, मतलब इससे दूर भाग रहा है, अवॉइड कर रहा है उसको। क्या कर रहा है? उसे दूर भागने का प्रयास कर रहा है। कौन? अपना जो पैरामेशियम होता है वो। ठीक है स्टूडेंट, और रेस्टिंग ऑन फूड मतलब जहाँ पर फूड रहता है वहाँ पर क्या करता है? वहाँ पर अट्रैक्ट होता है, रेस्टिंग ऑन कॉटन फैब्रिक। ठीक है, तो क्या करता है? ये जो भोजन आता है उसके ओर जब आएगा तो क्या करेगा? वहाँ पर अट्रैक्ट होकर इकट्ठा हो जाते हैं। और क्या करेंगे यहाँ पर? जहाँ पर भोजन होता है स्टूडेंट, वहाँ पर ये क्या करता है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब धनात्मक प्रतिक्रिया करता है। जबकि एक सेकेंड स्टूडेंट, जबकि जब ये सॉलिड पार्टिकल की ओर आएगा तो क्या करेगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, फूड की ओर पॉजिटिव, ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल की ओर नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करता है। कौन? आपका पैरामेशियम। तो ये हो गया क्या स्टूडेंट आप लोग का? थिग्मोटैक्सिस। इसका जो मेन मुख्य सोर्स होता है स्टूडेंट क्या होता है? टच होता है। ओके, क्या होता है? टच होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग सिक्स टाइप ऑफ क्या? टैक्सिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियोटैक्सिस या जलधारा अनुचलन। इसका जो मेन सोर्स होगा स्टूडेंट क्या होगा? वो वाटर करंट होगा। ठीक है, क्या होगा? जलधारा होगा। ठीक है, जैसे अमीबा जलधारा के विपरीत क्या करता है? तैर कर धनात्मक अनुचलन प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो अमीबा होता है, ठीक है, एक प्रकार का जो क्या होता है? प्रोटोजोन्स होता है, प्रोटोजोआ होता है, वो क्या करता है? जलधारा के विपरीत तैरता है। क्या करता है? इसके अगर वाटर इधर से जा रहा है तो अमीबा इधर से तैरते हुए इसके विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा? धनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट। एक सेकेंड, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं स्टूडेंट नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये रियोटैक्सिस है, वाटर करेंट। ठीक है, तो मूव अप स्ट्रीम। ठीक है, अगर पानी क्या हो रहा है स्टूडेंट, अगर इधर पानी इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो जो पैरामीशियम होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं, और क्या करेंगे? पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पॉजिटिव
रिस्पॉन्स शो करते हैं, और पानी जिधर जा रहा उधर क्या करता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करता है। कौन स्टूडेंट? आपका जो पैरामेशियम होता है वो। ठीक है, तो ये सिक्स टाइप था। जो आपका सेवन टाइप है स्टूडेंट, सेवन्थ और जो अंतिम टाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस, रसायन अनुचलन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार के अनुचलन में मुख्य स्रोत क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, मतलब रासायनिक पदार्थ होता है। इस नाम ही रसायन अनुचलन, तो रसायन जो रासायनिक पदार्थ होंगे वही क्या होंगे स्टूडेंट, उसका मुख्य स्रोत होंगे। ओके, क्या होंगे, मेन सोर्स होंगे। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, पैरामेशियम अलवणीय जल, मतलब जो जिसमें साल्ट नहीं पाया जाता, मतलब फ्रेश वाटर कह सकते हैं, फ्रेश वाटर में जीवन व्यतीत करता है और क्या करता है, इस समय पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। फ्रेश वाटर में क्या करता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। जबकि जल में क्या करें, कोई अन्य रसायन मिला दें तो क्या करेगा, निष्क्रिय हो जाता है और इस प्रकार से क्या करेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव किधर शो करेगा और नेगेटिव, पॉजिटिव जिधर क्या होगा, रसायन नहीं होगा, केमिकल नहीं होगा तो पॉजिटिव, और केमिकल होगा तो नेगेटिव। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, कीमोटैक्सिस या केमिकल, इसका मेन सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, अम्ल डाल दें। ठीक है, तो क्या होगा, ये अवॉइड करेगा, इससे दूर भागेगा। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट, नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा इधर स्ट्रॉन्ग एसिड में। जबकि माइल्ड एसिड अगर कम मात्रा में अगर क्या रहेगा, एसिड रहेगा, तो क्या करेगा, उधर अट्रैक्ट हो जाएगा और क्या करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा स्टूडेंट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा स्टूडेंट। इस प्रकार से आप लोग का जो टैक्सिस जो टॉपिक है यही समाप्त होता है। अगर स्टूडेंट आप लोग को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल बटन होता है स्टूडेंट, वो क्या करें, आइकॉन को क्या करें, प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूँ उसका आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए स्टूडेंट, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास इसको शेयर करें, ताकि वो सभी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।